जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले चरण में जीत दर्ज करने के लिए मतदाताओं में जोश भरने आएंगे। वे डोडा, रामबन और किश्तवाड़ की 3 सीटों पर जनसभाएं करेंगे और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी भी डोडा में चुनावी रैली कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार जो है पाडर नागेनी सीट पर, गुलाबगढ़ छतरगढ़ स्टेडियम किश्तवाड़ सीट पर, किश्तवाड़ के परेड मैदान और रामबन सीट पर चंद्रकोट में शाह की रैली होगी। रैलियों में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता किश्तवाड़, डोडा और रामबन पहुंच गए हैं। रैलियों को लेकर पुलिस भी कड़ी सुरक्षा में जुटी हुई है। डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में ही है। इन सीटों पर 18 सितम्बर को मतदान होना है। तो चुनावी प्रचार प्रसार जो है आज थम जाएगा और उससे पहले जो तस्वीरें देखने को मिली, जम करके जनसभा को संबोधित किया गया, 3 चुनावी रैली जो है अमित शाह करने वाले हैं, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका से। वहां फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर एक बार जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। वहां इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के पास फायरिंग हुई और जिस वक्त ये फायरिंग की घटना हुई उस वक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से जानलेवा हमला हुआ है। ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के पास जो है गोलीबारी की गई है। तस्वीरें भी सामने आई, आप देख पा रहे हैं। फायरिंग के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित है। एफबीआई ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बहराइच में एक बार फिर भेड़िए का हमला देखने को मिला है। 13 साल के लड़के पर भेड़िए का यह हमला हुआ है। घर की छत पर ये जो है अरमान अली सो रहा था, तभी भेड़िए ने उस पर जो है हमला कर दिया। घायल लड़के का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैसी इलाके के पिपरी मोहन गांव की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर भेड़िए का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। वन विभाग, पुलिस, पीएसी जवान गश्त कर रहे हैं। महसी शिवपुर में गश्त जो है वो अभी चल रहा है। तो शिकंजे में 5वां भेड़िया आ गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहराइच की ये तस्वीर है, जहां पर घर की छत पर जो है सो रहा था, तभी वहां पर अचानक से भेड़िया पहुंच गया और उसने क्या किया, हमला। तस्वीर आप देखिए, यही वो भेड़िया है, शिकंजे में इसको ले लिया गया। यहाँ पे जो रेस्क्यू किया गया है, इसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। बहराइच में एकमात्र आदमखोर के आतंक पर आसमान से नजर है। लंगड़ा सरदार को पकड़ने के लिए चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी है और उन पीड़ित परिवार को भी मदद पहुंचाई जा रही है जिसने अपना बेटा खोया, जिसके सिर से मां का साया छिन गया, जिसके मासूम बच्चे भेड़िए के हमले से घायल हो गए। बहराइच में भेड़िए की दहशत के बीच खुद मुख्यमंत्री योगी ने पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थानीय लोगों के बीच पहुंचकर भरोसा दिया, 5 भेड़िए पकड़े गए, आखिरी भेड़िया भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। यहां पर एक किले हमारी, यहां पर 165 की टीम वन विभाग की यहां पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहां पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता, तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। पिछले करीब 1 महीने से बहराइच के लोग खौफ में हैं।
बच्चा बच्चा भेड़िए की दहशत से डरा सहमा है। ऐसे में सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला और मदद के लिए गांव वालों के बीच पहुंच गए। पिछले 2 महीने में इस क्षेत्र में 8 जनहानि देखने को मिली जो 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ये हुआ है। यहाँ पे जो रेस्क्यू किया गया है उसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। ये चीजें देखी गई हैं कि जो अचानक इस सीजन में उन क्षेत्रों में जो जंगली जानवरों की जिससे संवेदनशील होता है, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती है। जब जिन क्षेत्रों में ये जंगली जानवर रहते हैं वहां पर पानी घुस जाता है। दरअसल बहराइच में भेड़िए अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ज्यादातर महिला और बच्चों पर भेड़ियों का हमला हुआ है। ज्यादातर हमले रात के वक्त हुए हैं। दहशत में लोग अपनी रातें काट रहे हैं और डर की वजह से बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो चुका है। हालांकि वन विभाग की टीम ने बीते 10 सितंबर को ही 5वें भेड़िए को पकड़ा था। इसके बाद से ही अकेले बचा लंगड़ा सरदार आक्रामक हो गया है। इससे पहले भी देखा गया है कि जब भी इनके झुंड का कोई भेड़िया पकड़ा जाता है तो ये खूंखार आदमखोर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इस मामले में भी यही हुआ है। जब बीते मंगलवार को मादा भेड़िए को पकड़ा गया उसके बाद से ये लंगड़ा भेड़िया हमले पर हमला कर रहा है। लेकिन सीएम योगी के आदेश पर अब आखिरी बचे लंगड़ा भेड़िया को पकड़ने की कवायद और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।